अभी हमने जो सिंपल डाई आपको बताई ना, वो जो सिंपल डाई का कटिंग ऑपरेशन बताया, नेचर बाई कटिंग, आप प्रिंसिपल समझो। दो प्रिंसिपल होते हैं, कटिंग जिसमें आपका शेयर फोर्स पता होता है, आप अगर फोर्स निकालने को बोल दिया जाए तो शेयर फोर्स एमएस का या एमएस के रेंज में जितने माइल्ड स्टील है उसका होता है 30 से 40 kgf पर mm स्क्वायर, ठीक है, 30 से 40। और हम उसका सेफ्टी फैक्टर भी लेंगे 0.75। तो आप अमूमन कभी भी लोड निकालो तो 40 का इंटू कर दो, किसमें, कटिंग सेक्शन में एरिया, कटिंग सेक्शन का एरिया इंटू 40, ठीक है, वो भी mm में, वो एरिया जिसको पथ लेंथ बोलते हैं, पथ लेंथ जो कटिंग लेंथ होगा ना उसका एरिया, वॉल्यूम नहीं एरिया, ठीक है। अब हम वो मैंने बोला था सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, गैंग डाई, प्रोग्रेसिव डाई और ट्रांसफर डाई, ठीक है। अब हमने अभी भी सिंपल डाई बताई थी, फिर सिंपल डाई बता रहा हूँ, वो कटिंग की थी और ये फॉर्मिंग की है। अब उसके एलिमेंट हमने कंपोनेंट बता दिए उस डाई के, इस डाई के कंपोनेंट देखो, ये टॉप प्लेट है, पिलर सेट बता दिया, जो वो पिलर सेट का हमने एक बार डिफाइन कर दिया है, डेफिनेशन दे दी, तो वही है पिलर सेट, ठीक है, इसमें भी पिलर सेट है। अंतर ये कि हमें उसमें हाई, जो कटिंग की डाइयाँ होंगी उसमें हाई एक्यूरेसी क्लियरेंस या हाई ज़्यादा एक्यूरेट क्लियरेंस या क्लोज क्लियरेंस वाला पिलर सेट लेंगे, कम क्लियरेंस वाला मीन्स लूज ना हो, टाइट एक्यूरेसी के लिए, पंचिंग और कटिंग के लिए। वार्मिंग में हम मतलब कर सकते हैं, इसमें बॉल गेज वाला यूज करा है, ये हाई एक्यूरेसी के लिए करा जाता है, इस पर लगा दिया तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें लूज भी चल सकता है, फॉर्मिंग में, कटिंग में नहीं चलेगा। इसमें भी वही चीज़ है, टॉप है, बॉटम है और ये बैक प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी पंच प्लेट है, ये पंच है, ये स्टीपर है और ये बैलेंसर है या डेड ब्लॉक भी बोल देते हैं इनको, स्टीपर एनर्जी आगे डेड होगी, ठीक है, ताकि ये बेयरिंग वाला हिस्सा आपका वेव में ना रहे, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, जितनी लूज होगी उतना स्प्रिंकल होगा। ये ऊपर आपका पंच है, इसमें इंजेक्टर है इधर और नॉकआउट का प्रोविजन है या स्प्रिंग होगी, इसमें स्प्रिंग होगी, ठीक है, स्प्रिंग है। तो पार्ट को निकालने के लिए डाई के अंदर इंजेक्टर और इधर से पार्ट को वार्म करने के लिए और निकालने के लिए जो मैंने उस दिन एक वीडियो में आपको बताया था, वो स्टीपर प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिंग, ब्लैंक होल्डर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ब्रीफिंग में आ गया, ये फॉर्मिंग डाई है। हमने अब दोबारा से एक बार फ्रीज कर देता हूँ, सिंपल डाई में कटिंग फॉर्मिंग दोनों तरह की डाइयाँ होती हैं और एन टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं। कंडीशन एक ही है कि एक स्ट्रोक एक ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आज का जो माई डाई का जो आज पहला जो चैप्टर है सिंपल डाई का वो क्लोज हो गया। नेचर वाइज पांच तरह का और बाई डिजाइन पांच टाइप का, और अगर आप प्रिंसिपल टाइप देखें, ठीक है, तो कटिंग और नॉन कटिंग, तो इसमें दोनों ही होती है ना, ठीक है, थैंक यू।